I am Dr. Rahul Gupta. I am director of neurosurgery at Fortis Hospital Noida and Escorts. So we are continuing with our episodes of Knowledge is Power, and this is the episode 16th. We are discussing about spine and spine related problems now, and today we will discuss about spine tumor. Spine tumor is categorized into three parts. One is the tumor which is arising from the spinal cord, जो कि spinal cord के अंदर होता है tumor, जिसको कि astrocytoma या ependymoma भी कहते हैं. The second category of tumor is between the spinal cord and the bone. यानी स्पाइनल कॉर्ड और बोन के बीच में, जो कि नर्व के से या नर्व शीथ से राइज होता है, जैसे कि मेनिंजोमा या न्यूरोफाइब्रोमा. एंड थर्ड ट्यूमर विच इज मोस्ट कॉमन इज द ट्यूमर विच इज अराइजिंग फ्रॉम द बोन, दैट इज द बोनी ट्यूमर. तो स्पाइन की बोन का ट्यूमर भी बहुत कॉमन है. उसमें दो टाइप के ट्यूमर होते हैं. एक प्राइमरी ट्यूमर होता है. प्राइमरी ट्यूमर इज फ्रॉम विद इन द बोन, जैसे प्लाज्मा साइटोमा हो गया, जाइंट सेल ट्यूमर हो गया, कॉर्डोमा हो गया, कॉन्ड्रोसार्कोमा हो गया. इस तरह के ट्यूमर्स जो हैं वो प्राइमरी बोन के ट्यूमर्स माने जाते हैं, जो कि स्पाइन को अफेक्ट करते हैं. इसके अलावा एक ट्यूमर्स होते हैं जो कि शरीर के किसी और हिस्से में होते हैं और वहां से वो निकल के स्पाइन में आके लॉज हो जाते हैं. उन्हें स्पाइनल मेटास्टेसिस कहते हैं. स्पाइनल मेटास्टेसिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ट्यूमर्स ऑफ द स्पाइन, एंड दिस में दे इफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, डॉर्सल स्पाइन और लंबर स्पाइन और इवन सैक्रम. So these tumors, they require specific treatment. They require either surgery for biopsy and for debulking of the tumor, or to remove the mass effect from the compression of the neural structures. Or sometimes we do go for radiotherapy and chemotherapy to treat these tumors. Results of bony tumors is average to good. For the tumors which are located within the bone but outside the spinal cord, जैसे कि meningioma या neurofibroma है, उनके results बहुत अच्छे हैं. और अगर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ट्यूमर है तो वो खतरे वाली बात है, क्योंकि उसको निकालने के लिए हमें स्पाइनल कॉर्ड काटनी पड़ती है या फिर हमें बाद में रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ती है. तो ये क्लासिफिकेशन है जो कि स्पाइन ट्यूमर्स के बारे में है. और स्पाइन ट्यूमर्स जो हैं ट्रीटेबल हैं, क्योरेबल हैं. तो प्लीज़ अगर स्पाइन ट्यूमर हो तो घबराएं नहीं, डॉक्टर्स के पास आएँ और जो भी ट्रीटमेंट आपको प्रिस्क्राइब किया उसको फॉलो करें. थैंक यू.